हेलो एंड वेलकम टू एवरीडे मील्स विद शाही। आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी जो कि बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। तो चलें देखते हैं कि हम ये किस तरह से बनाते हैं कि इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैंने 4 करेले काट के पहले से नमक के पानी में रख दिए हैं। ये इतने बड़े बड़े साइज़ के करेले थे जो मैंने काट के नमक के पानी में भिगोए हैं। इसे कम से कम आप 1 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए। अच्छा, करेला हमें किस तरह से साफ़ करना है कि आप छुरी से एक तो उसका छिलका निकाल सकते हैं, या तो आप इस तरह से कद्दूकस के ऊपर इसे घिसिए तो इसका छिलका निकल जाएगा, जो मोटा मोटा छिलका, और फिर उसे बीच में से काट के इस तरह से पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद में इसे खूब अच्छे से मलिए और इसे एकदम निचोड़ दीजिए। इसको रनिंग वाटर में धो के एकदम निचोड़ देना है। अच्छा, 4 करेले हैं तो हमें 8 प्याज चाहिए छोटी छोटी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बड़ी छोटी मिला के प्याज है तो मैंने 6 प्याज लिए हैं। इसे भी हम काट लेंगे और अब पकाना शुरू करते हैं। तो पैन में तेल ले लेना है और इसमें हम डाल देंगे प्याज। तेल आपको जो सा भी चाहिए है वो ले लीजिए, कड़वे तेल में ज़्यादा मज़े का बनेगा। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ये जब कच्ची पक्की हो जाएगी तो हम इसमें करेला डाल देंगे। कच्ची पक्की प्याज हमें इसलिए रखना है ताकि प्याज का जो मीठापन है वो रहे। और करेला डालने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे अचार का मसाला, जो कि जिसकी रेसिपी ऑलरेडी है चैनल पे, आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो 1.5 चम्मच अचार का मसाला हम इसमें डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम नमक डालेंगे, क्योंकि हमने नमक के पानी में इसे 1 घंटे तक करेले को भिगो के रखा था। और इसे बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे हम ढक देंगे और इसे एक 10 मिनट के लिए हम धीमी फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। 10 मिनट बाद हम ढक्कन खोल के देखेंगे तो हमारे करेले काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं, प्याज भी काफ़ी घुली घुली हुई हो गई है। तो इसे थोड़ा हम चलाएंगे और अगर से आपको पानी डालने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो एक थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे। और इसे मिक्स करने के बाद में दोबारा इसे हम ढक देंगे और स्लो फ्लेम पे दोबारा इसे एक 10 से 15 मिनट हम पकाएंगे, जब तक के करेला जो है वो पूरी तरह से गल नहीं जाता है। अब ये 10 मिनट हो गए हैं तो मैंने खोल के देखा है और करेला और प्याज सब एकदम अच्छे नरम हो गए हैं, गल गए हैं। तो इसे अब हम थोड़ा सा भून लेंगे और ये देखिए कि हम 5 मिनट इसे भूना है स्लो फ्लेम पे, तो हमारा करेले की सब्ज़ी तैयार हो गई है। सिर्फ हल्दी अचार के मसाले से हमारे ये बहुत ही मज़ेदार करेले की सब्ज़ी तैयार हो गई, जिसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एवरीडे मील्स विद शाही को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।